Hello my dear students, welcome to my next video. So we started reading about direct and indirect speech. Fine, now things will be more clear to you when you will come to know the rules of changing the tenses and how to change modals, pronouns, reporting verb and indicators of time and place change. Fine, so let's start with the rules for changing direct speech to indirect speech. Students, when a sentence is written in indirect speech, the tense, the pronouns, the modals, reporting verb and indicators of time and place change. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते हैं तो इन चीज़ों में चेंजेस आते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द चेंज ऑफ टेंस. हाउ टू चेंज द टेंसेस when direct speech is changed to indirect speech, changes in tenses occur depending on reporting verb and the words of the speaker. जो हमारा ये लगा हुआ है कॉमा से पहले की फ्रेज, इसमें हमें क्या दी है? रिपोर्टिंग वर्ब दी है said. तो यही क्लियर करती है कि हमने कौन कौन से चेंजेस करने हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, दैट मीन्स सेज या फिर विल से लगा हुआ है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. फाइन, अगर यहाँ पे सेड और सेड टू लगा हुआ है, दैट मीन्स अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, देन वी विल चेंज आर रिपोर्टेड स्पीच इनटू पास्ट टेंस. फाइन स्टूडेंट्स, लेट्स हैव one example here. The teacher said we will go to the science fair. Teacher ne bola tha ki hum science fair jayenge. Fine, the teacher said that they would go to the science fair. Now see, said laga hai to humne kya kar diya, future tense ko will ko would mein change kar diya. Would is the past of will. The past tense used in reporting verb said indicates that the verb in direct speech has to change the past tense in indirect speech. तो इस said ने ये indication दी थी कि आप reported speech का tense change कर दो. So ये example हमें यही बताती है. Fine students. Now moving on, the changes in tenses when the reporting verb is in past tense, the following rules are to be kept in mind for changing tenses of the verb in the reported sentence. अब हम one by one tenses करेंगे जिन जिन tenses में हमारे कुछ changes आने हैं. The first is simple present tense changes to simple past tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा होता है. सिंपल पास्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सी, ही सेड. सेड से पता चल गया कि हमें टेंस चेंज करना है. प्रोनाउंस तो हमें ऑलवेज चेंज करने ही है. आई लव ड्रिंकिंग कॉफ़ी. उसने कहा था कि मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है. फाइन, उसने बोला था, दैट मीन्स उसकी बात हो रही है. ही सेड दैट. आई इज चेंज टू ही. उसने बोला था मुझे. हमने क्या लिख दिया? उसने बोला था उससे. लव ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी पीना पसंद है. और हम क्या करेंगे? उसने कहा था कि उससे कॉफ़ी पीना पसंद था. ही सेड दैट ही लव्ड ड्रिंकिंग कॉफ़ी. नेक्स्ट वन, द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. Now, what are the rules for present continuous? Subject plus SMR plus first form of verb ing and object. And what are the rules for past continuous? SMR is changed into was verb. So he said, "I am writing a letter." उसने कहा था कि मैं letter write कर रहा हूँ. Fine. हम क्या कहेंगे? उसने कहा था कि वह letter write कर रहा था. He said that he was writing a letter. The present perfect tense changes to past perfect tense. Tanima said, I have reached home. Tanima ने कहा था कि मैं घर पहुंच चुकी हूँ. Now they have told us कि present perfect tense, that means subject plus has plus third form of verb,
चेंजेस टू पास्ट. अब परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फाइन. हैज हैव को हैड में चेंज करना है. तनिमा सेड दैट ही हैड रीच्ड होम. स्टूडेंट सॉरी फॉर इंटरप्शन, प्लीज लर्न योर टेंसेस, फाइन. आपको टेंसेस अच्छे से आने चाहिए. सो वॉच योर प्रीवियस वीडियोस वेयर यू हैव डन हाउ व्हाट आर द टेंसेस एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर टेंसेस. ओके, ओनली देन यू कैन डू द नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सी द नेक्स्ट रूल हियर, द सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द टू टेंसेस हियर. जो सिंपल टेंस पास्ट टेंस होता है दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट दैट मीन्स हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. चेंज टू पास्ट परफेक्ट, दोनों किस में चेंज हो गए? पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट के रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ ही सेड आई वॉच्ड अ डांस प्रोग्राम ऑन टेलीविजन. फाइन, वॉच्ड लगाया, दैट मीन्स दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस इज अ पास्ट इनडेफिनेट सिंपल पास्ट टेंस. इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट. ही सेड दैट ही हैड वॉच्ड अ डांस प्रोग्राम ऑन टेलीविजन. नाउ नैना सेड आई हैव बॉट अ रिकॉर्ड प्लेयर. Have bought, that means present perfect, that also will be changed into past perfect tense. Nana said that she had bought a record player. So students, next one is the past continuous tense changes to past perfect. Ab baat ho rahi hai was, were plus first form of plus ing ki. और उसको किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में. पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. फराज सेड आई वाज प्लेइंग विद माय बेबी ब्रदर. दिस इज इन पास्ट कॉन्टीन्यूस. फराज सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग विद हिज बेबी ब्रदर. नेक्स्ट वन द सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लगा होता है? विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. दैट इज चेंज्ड इनटू वुड और शुड. फाइन, मीनाक्षी सेड आई मीट माय फ्रेंड्स. मीनाक्षी सेड दैट शी वुड मीट हर फ्रेंड्स. सो विल और शैल इज चेंज्ड इनटू वुड एंड शुड. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होता है? विल के साथ बी लगाई होती है. विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. तो विल बी को हम वुड बी में चेंज कर देंगे. शैल बी को शुड बी में चेंज कर देंगे. ही सैड वी विल बी स्टडिंग इन द इवनिंग. शी सैड दैट दे वुड बी स्टडिंग इन द इवनिंग. नाउ स्टूडेंट्स, लेट स्टडी चेंज ऑफ प्रोनाउंस. अब आपको थोड़ी प्रोनाउंस में प्रॉब्लम आ रही होगी कि कैसे हमने आई को किस में चेंज करना है, यू को किस में चेंज करना है, ही शी को किस में चेंज करना है. फाइन, नाउ सी इफ द स्पीकर इज इन द फर्स्ट पर्सन. स्पीकर कौन है? मैंने आपको पहले भी बोला था, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आता है. फाइन, कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग. फाइन, सेड से विल से पहले जो सब्जेक्ट लगा है, इट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन. यहाँ पे किसी का नेम भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन आई वी ही शी कुछ भी हो सकता है. फाइन, सो इफ द स्पीकर इज इन द फर्स्ट पर्सन द प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच रिमेन अनचेंज्ड. स्टूडेंट्स, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब से पहले का जो हमारा नाउन प्रोनाउन आई आ जाता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, दैट मीन्स हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन है वो चेंज नहीं होगा. आई सेड आई एम बोर्ड. नाउ हु इज टॉकिंग अबाउट हुम हियर? आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. फाइन, आई सेड आई एम बोर्ड. आई सेड दैट आई वॉज बोर्ड. मैंने कहा था कि मैं बोर हो रहा हूँ. फाइन, मैंने कहा था कि मैं बोर हो रहा था. इफ द स्पीकर इज इन द सेकेंड पर्सन द प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड द सेकेंड पर्सन. चेंज्ड टू द सेकेंड पर्सन.
अब अगर फर्स्ट में आपके पास यू लगा है तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो भी प्रोनाउन है वो यू में ही चेंज हो जाएगा. यू इज़ आर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. यू सेड आई हैव अ न्यू बैग. यू सेड दैट यू हैड अ न्यू बैग. इफ़ द स्पीकर इज़ इन द थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन की बात भी हो गई, सेकंड पर्सन की बात भी हो गई, अब हम थर्ड पर्सन के ऊपर देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं. अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा स्पीकर है रिपोर्टिंग वर्ब से पहले अगर वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड टू द थर्ड पर्सन. तो जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में ही कर देंगे. अगर शी है तो शी, ही है तो ही. फाइन. शी सेड आई हैव अ हेडेक. शी सेड दैट शी हैड अ हेडेक. फाइन स्टूडेंट्स. नाउ द प्रोनाउंस यू, योर्स एंड योर आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द एड्रेस्ड पर्सन इन द इनडायरेक्ट स्पीच. So students, she said to me, your mother was looking for you. अब उन्होंने बोला कि अगर आपको reported speech में you, your या फिर yours आ जाता है तो हमारी जो comma से पहले की phrase है, जो हमारी reporting verb के पिछला pronoun है, पहले हम आगे वाला देखते थे जो speaker है. अब speaker किसको बोल रहा है, किसको address कर रहा है, यहाँ पे हमने वो प्रोनाउन देखना है. उसी प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा यू, योर्स और योर. शी सेड टू मी योर मदर वॉज लुकिंग फॉर मी. उसने मुझे कहा था कि मेरी मदर मुझे ढूंढ रही थी. शी सेड टू मी दैट उसने मुझे बोला था. तो माई मदर आ जाएगा, योर माई में चेंज हो जाएगा क्योंकि मेरी मदर. फाइन. शी सेड टू हिम उसने उससे कहा था. हिम किसको एड्रेस कर रहे हैं, वो किसी लड़के को. योर मदर वॉज लुकिंग फॉर यू. शी सेड टू हिम दैट हिज मदर. अब लड़के के लिए हिज मदर लगाएंगे, हिम को हिज मदर में चेंज करके. हिज मदर वॉज लुकिंग फॉर हिम. शी सेड टू हिम दीज शूज आर योर्स. शी सेड टू हिम दैट दोज शूज वर हिज. नाउ सी द डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun this and these are changed to that and those. Tarun said I was absent on this day. This day कौन सी form में change हो जाएगा, that day में. Tarun said that he had been absent on that day. Vicky said these are my choice. Vicky said that those were his choice. These को those में change कर दिया. Students, now some things are left like changes of modals, changes of time, place, fine, and changes of reporting verb. So that is I'll discuss in my next video. Thank you students. Please watch it very carefully. I hope you understood it well.